फ्रेंड्स, दिस इज प्रजक्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्राइडे फूड सेक्शन में आज हम बनाएंगे बारबी डॉल केक। इस वीडियो में मैंने बेस केक बनाने से लेकर आइसिंग तक सारी प्रोसेस दिखाई है, साथ में कुछ टिप्स भी दिए हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो भी आप इस केक को घर पर आसानी से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेस्टिव सीजन इज राउंड द कॉर्नर, तो नेक्स्ट फ्राइडे से मैं फेस्टिव स्पेशल फूड डेकोरेशन के वीडियोस की सीरीज लेकर आने वाली हूँ। इन वीडियोस को मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब बटन के आगे जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डॉल केक बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप मैदा, 1/2 कप से थोड़ी ज़्यादा पाउडर शुगर, 1 कप मिल्क, 1/3 कप मेल्टेड बटर, 1/2 कप कंडेंस मिल्क, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड वनीला एसेंस। एक बड़े बाउल में बटर, कंडेंस मिल्क और पाउडर शुगर मिक्स करके उन्हें अच्छे से फेंट लेंगे। तीनों का अच्छा सा मिक्सचर होने तक हमें इसे फेंटना है। ये देखिए, ये कितने अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम मैदा छान लेंगे। मैदे को छानने की वजह से इसमें एयर सर्कुलेशन बनता है, जिसकी वजह से हमारा केक अच्छे से फूलने में मदद होती है, तो ये कंपलसरी स्टेप है। अब हम बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को भी छान लेंगे। हमारे ड्रायर इंग्रेडिएंट्स रेडी है। अब हम इन्हें कंडेंस मिल्क के बैटर में थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा दूध भी ऐड करेंगे। दूध हमें एक साथ ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। बैटर को हल्के हाथ से मिक्स करना है। अगर आप ज़्यादा फेटेंगे तो केक ज़्यादा फूलेगा नहीं। बचा हुआ मैदा भी हम ऐड कर देंगे। दूध हमने 1 कप लिया था, पर हमने पूरा दूध यूज़ नहीं किया। 1/4 कप दूध बच गया है। हमारा बैटर बहुत अच्छा बना है। अब इसमें वैनिला एसेंस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून वैनिला एसेंस ऐड करें। आज हम डॉल केक बनाने वाले हैं, इसलिए मैं डॉल केक का मोल्ड यूज़ कर रही हूँ। अलग अलग साइज़ के डॉल केक के मोल्ड मार्केट में अवेलेबल है। इस मोल्ड को बटर से कोट करेंगे। बटर की जगह आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैदा मोल्ड में डालेंगे और उससे मोल्ड को अच्छे से कोट करेंगे। ऐसा करने से आपको बटर पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और केक आसानी से निकल कर आएगा। अब हम केक का बैटर मोल्ड में डाल देंगे और मोल्ड को टैप करेंगे ताकि कोई एयर बबल अंदर ना रहे। मेरे पास एल्युमिनियम का एक बहुत बड़ा बर्तन है, जिसको मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए गैस पर रखा था। इसमें एक स्टैंड पर हम केक मोल्ड को रख देंगे। मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, सिर्फ स्टैंड पर मोल्ड को रखा है। इसके ऊपर हम टाइट ढक्कन रख देंगे और मीडियम आंच पर केक को 30 से 35 मिनट तक बेक होने देंगे। 35 मिनट्स के बाद मैंने केक को बाहर निकाला है। अंदर स्टिक डाल के चेक करते हैं कि केक अंदर से बेक हुआ है कि नहीं। हमारी स्टिक क्लियर बाहर आई है, इसका मतलब हमारा केक अंदर से भी अच्छे से बेक हो गया है। अब केक ठंडा हो गया है और इसे मोल्ड से निकाल लेते हैं। ये आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए, ये कितना बढ़िया दिख रहा है। अब केक को आइसिंग करते हैं। आइसिंग के लिए केक के लेयर्स कट करेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट हम निकाल देंगे। आई मेड दिस केक फॉर माई डॉटर्स 6th बर्थडे एंड वॉट यू हियर वॉज हर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आफ्टर लुकिंग एट केक। शी वॉज सुपर एक्साइटेड फॉर द केक और वो पूरा टाइम मेरे साथ ही खड़ी थी और उसके बर्थडे केक को देख रही थी।
आप भी देख सकते हो हमारा केक अंदर से कितना स्पॉन्जी बना है, कितनी सुंदर जाली आई है इस पे। आइसिंग के लिए यहाँ मैं फियोना व्हिप क्रीम यूज़ कर रही हूँ। इसको यूज़ करने के लिए मैंने इसे फ्रीज़र से 4 घंटे पहले निकाला था। अब ये लिक्विड फॉर्म में आ गई है, लेकिन ये अभी भी चिल्ड है। यहाँ पर मैंने 2 कप व्हिपिंग क्रीम ली है। अगर आपकी व्हिपिंग क्रीम बच गई है तो पैकेट को इस तरह से बंद करके फ्रीज़र में रख दें, आप इसे बाद में यूज़ कर सकते हैं। व्हिपिंग क्रीम को बीट करने के लिए मैं बीटर यूज़ कर रही हूँ। स्टार्टिंग में 1 मिनट के लिए क्रीम को बीटर की लो स्पीड पर बीट करेंगे। 1 मिनट में क्रीम का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और उसके बाद 2 मिनट के लिए 3 की स्पीड पर बीट करेंगे। ये देखिए हमारी क्रीम सेट होने लगी है। अब और 3 मिनट के लिए बीटर के हाई स्पीड पर बीट करेंगे। व्हिपिंग क्रीम बीट करने के लिए बीटर यूज़ करना ही बेटर होता है, इससे काम जल्दी हो जाता है। हमारी क्रीम परफेक्टली बीट हुई है कि नहीं ये चेक करने के लिए एक ट्रिक है। क्रीम को स्पैचुला पर लेके उसे उल्टा करके चेक करें। अगर क्रीम नीचे नहीं गिरती है इसका मतलब हमारी क्रीम परफेक्टली बीट हुई है। ये देखिए ये बिल्कुल भी नीचे गिर नहीं रही है। अब इसमें 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस ऐड करेंगे। केक की बेस पर थोड़ा सा क्रीम लगाएंगे ताकि हमारा केक हिले ना। अब एक एक लेयर रख कर उस पर शुगर सिरप ऐड करेंगे। अच्छे से शुगर सिरप ऐड करने के बाद उस पर क्रीम लगाएंगे। मैं यहाँ प्लेन वेनिला केक बना रही हूँ। अगर आप फ्लेवर्ड केक बनाना चाहते हैं तो इसी स्टेप में क्रीम के साथ साथ आप फ्लेवर्ड फ्रूट क्रश भी ऐड कर सकते हैं। सारे लेयर्स पर शुगर सिरप लगाने के बाद उन पर क्रीम लगाएंगे। हमारे घर में ज़्यादा क्रीम पसंद नहीं है, इसलिए मैंने लेयर्स के बीच में कम क्रीम यूज़ की है। आप चाहे तो ज़्यादा क्रीम यूज़ कर सकते हो। तीनों लेयर्स लगाने के बाद केक को बाहर से भी क्रीम लगाएंगे। क्रीम को प्लेन करने के लिए आप किसी विजिटिंग कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। ऑल्सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू बी नोटिफाइड एज सुन एज आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। अगर आप बिगिनर हैं तो केक को क्रीम लगाने के लिए इस तरह से क्रीम को पाइपिंग बैग में भरकर आसानी से लगा सकते हैं। डॉल केक के लिए बेस क्रीम को ज़्यादा प्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब केक में डॉल लगाएंगे। इस तरह की केक वाली डॉल केक शॉप में आसानी से मिल जाएगी। अब इस केक को आधे घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे। डॉल का पिंक ड्रेस बनाने के लिए मैं यहाँ पर जेल पिंक कलर का यूज़ कर रही हूँ। इसे क्रीम में ऐड करके क्रीम को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए ये कितना प्यारा कलर आया है। अब और एक बाउल में थोड़ी सी क्रीम लेकर उसमें भी कलर ऐड कर देंगे। हम इससे थोड़ा डार्क शेड बनाएंगे। हमारे 2 शेड्स रेडी है। वीडियो में दोनों शेड्स में ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा है, लेकिन एक डार्क है और एक थोड़ा लाइट है। स्टार नोजल यूज़ करके मैं ड्रेस पर पिंक फ्लावर्स बना रही हूँ। मुझे लगता है ये सबसे सिंपल डिज़ाइन है ड्रेस बनाने के लिए। बिगिनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे नोजल्स अवेलेबल है जिनसे ड्रेस के अलग अलग पैटर्न्स आप बना सकते हो। ऊपर के साइड पर फ्लावर्स बनाने के लिए मैंने लाइट पिंक कलर यूज़ किया है। ये देखिए ड्रेस का हाफ पार्ट हो गया है। अब हाफ पार्ट बनाने के लिए मैंने सबसे छोटा सर्कल शेप का नोजल यूज़ किया है। इसकी मदद से डॉल का ऊपर का ड्रेस बनाएंगे। अगेन यहाँ भी आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके अलग अलग पैटर्न के ड्रेस बना सकते हो। फ्रेंड्स, डॉल केक बनाना बहुत ही आसान है। मैंने छोटे मोल्ड से छोटा केक बनाया है। अगर आप बड़ा मोल्ड यूज़ करते हो तो बड़ा केक बनेगा। तब आप डॉल का ड्रेस बनाने के लिए बहुत सारे शेड्स यूज़ कर सकते हो।
आइसिंग की मदद से हम डॉल की ज्वेलरी भी बनाएंगे और ड्रेस में डिटेलिंग भी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, एज आई सेड बिफोर, आई मेड दिस केक फॉर माई डॉटर्स 6th बर्थडे। वी सेलिब्रेटेड हर बर्थडे विथ बार्बी डॉल थीम। आई हैव अपलोडेड दैट थीम बर्थडे डेकोरेशन वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल एंड आई ऑल्सो गिवन द वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। यू कैन चेक आउट दैट वीडियो बाई क्लिकिंग ऑन द लिंक। एंड में सिल्वर बॉल से ड्रेस को डेकोरेट करेंगे और हमारा प्यारा सा बार्बी डॉल केक रेडी है। होप यू लाइक टूडेज वीडियो। आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खाओ, खिलाओ और खुश रहो।